से लगाऊं, जब तक निर्वाण हो जाए मेरा, ओ जब तक निर्वाण हो जाए मेरा, तब तक दिखलाना नूतन सवेरा मेरे गुरु महास्मण जी। ओ आत्म गगन में मगन रे मेरे गुरु महास्मण जी, मेरे गुरु महास्मण जी, मेरे गुरु महास्मण जी। ओवर। मां मना भिक्षु को समर्पित ये पंक्तियां। सुख वे बहु भावी पीढ़ी को, सुख वे बहु भावी पीढ़ी को, काल कूट तुम स्वयं पी गए, मृत्यु भला क्या कहे, मृत्यु भला क्या तुम्हें मारती, मरकर भी तुम पुनः जी गए, मरकर भी तुम पुनः जी गए। ऐसे महामना मृत्यु पर विजय पाने वाले अमर महामना आचार्य श्री भिक्षु की स्तुति करने के लिए अब मैं ऐसे कलाकार को आमंत्रित कर रहा हूं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। पिछले कई वर्षों से आचार्य प्रवर व चरित्र आत्माओं की रचना को अपनी स्वर रैलियों से जन जन तक पहुंचाया है। भाई कमल सेठिया की जब प्रस्तुति होती है तब शरीर के रोम रोम में भक्ति का संचार अनवरत प्रवाहित होता है। ऐसे कलाकार जब भिक्षु रस में डूबते हैं, सबको तो फिर से सिरारी का पवित्र धाम कैसे वंचित रह सकता है। और गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के शब्दों में कि जब मैं स्वयं गीत गाता हूं तो ऐसा लगता है कि भाई कमल सेठिया गीत गा रहा है। और कहते भी हैं कि तेरापन धर्म संघ का जो आचार्य होता है उसमें पूर्ववर्ती सभी आचार्यों की शक्ति निहित होती है। आचार्य भिक्षु जितने क्रांतिकारी थे, जितने तपस्वी थे, जितने यशस्वी थे, इतने ही तपस्वी व यशस्वी तेरापन धर्म संघ के ग्यारहवें अनुशासता भी उतने ही तपस्वी हैं, क्योंकि उनकी तपस्या को हमने देखा है। दिल्ली से बिहार जब वो नेपाल की धरती पर पहुंचे तो चाहे काठमांडू के भूकंप का समय हो या गुवाहाटी में पानी के बाढ़ का समय हो या बंगाल पहुंचते पहुंचते अनेक विपदाएं सामने आई, या फिर इस कोविड काल में निर्धारित चातुर्मास हेतु हैदराबाद पहुंचना हो, लेकिन तेरा पंथ का आचार्य न रुकता है न झुकता है, क्योंकि वो आचार्य श्री भिक्षु के पटदर हैं और आचार्य श्री महासमण जी भिक्षु के पटदर हैं। तो इसलिए कहते हैं जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। इस कोविड काल में डिजिटल भक्ति प्रारंभ करने वाले और संभवतः इस डिजिटल धम्म जागरणा में की शुरुआत करने वाले ऐसे हमारे एकमात्र श्रद्धानिष्ठ संगायक मेरे अजीज मित्र भाई कमल सेठिया। ओम भिक्षु भिक्षु गण राजा, भर मन मंदिर में आजा, थारी सांवली सूरत दिखला जा, मर कर मारो कष्ट मिटा जा। ओम भिक्षु भिक्षु गण राजा, मर मन मंदिर में आ जा, थारी सांवली सूरत दिखला जा, मर कर मारो कष्ट मिटा जा। ओम भिक्षु भिक्षु गण राजा, मर मन मंदिर में आजा, थारी सांवली सूरत दिखला जा, मर कर मारो कष्ट मिटा जा।
मारे कर मारो कष्ट मिटा जा, मारे कर मारो कष्ट मिटा जा। हुआ अभ्युदय तेरा पंथ का, मिला सफर को सही मुकाम, धर्म क्रांति की अगवानी में लक्ष्य बना पूजा का धाम। श्रद्धा जागी किया समर्पण, ज्ञान बोध का मिला प्रकाश, सत्य शोध के अनुशीलन में संस्कृति स्वयं बनी विश्वास, संस्कृति स्वयं बनी विश्वास। इसी संस्कृति और विश्वास के प्रतीक तेरा पंथ को प्रणाम। तेरा पंथ के जन्मदाता महामना भिक्षु को प्रणाम। तेरा पंथ की यशस्वी आचार्य परंपरा को प्रणाम। प्रणाम मेरी अंतः प्रेरणा गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी एवं अनुव्रत अनुशास्त्र आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पावन श्री चरणों में प्रणाम। आधुनिक युग के भिक्षु आचार्य श्री महाश्रवण जी के पावन श्री चरणों में प्रणाम। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति सात्विक प्रमुखा कनक प्रभा जी के पावन श्री चरणों में प्रणाम। चतुर्विद धर्म संघ को प्रणाम। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी, मुनि श्री रविंद्र कुमार जी स्वामी एवं सहवर्ती सभी संतों को नमन करते हुए प्रणाम करता हूं। आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान ख्याली लाल जी साहब तातेड़, आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान के महामंत्री श्रीमान निर्मल जी श्री श्रीमाल, आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान के कर्मठ कोषाध्यक्ष भाई श्री गौतम जी कोठारी और आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान के विगत 35 वर्षों से जुड़े हुए एक ऐसे भिक्षु भक्त और संस्थान के संगठन मंत्री श्रीमान कमल जी बैद को नमन करता हूं। हमारे जितनी भी केंद्रीय संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के सभी पदाधिकारियों को और नमन करता हूं। आचार्य श्री महाश्रवण चातुर्मास व्यवस्था समिति चेन्नई, जितना मैं अपने आप में जान पाया हूं, तेरा पंथ धर्म संघ के इतिहास का एक स्वर्णिम चातुर्मास चेन्नई चातुर्मास। उस चातुर्मास के अध्यक्ष भाई श्री धर्मीचंद जी साहब लूंकड़ और नमन करता हूं। अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद एवं जैन तेरा पंथ न्यूज, अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई संदीप जी कोठारी जो कि कल्याण परिषद के संयोजक है, उनको नमन करते हुए नमन करता हूं। आज के इस भव्य कार्यक्रम में जो कि पारस चैनल पर पूरे विश्व में सीधा प्रसारित किया जा रहा है, जुड़े हुए सभी भिक्षु भक्तों को नमन करता हूं और नमन करता हूं आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान के फेसबुक पेज, JTM के फेसबुक पेज, चमत्कार का दूसरा नाम भिक्षु फेसबुक पेज, भिक्षु श्याम फेसबुक पेज, सूरत जैन यूथ क्लब और भी कई फेसबुक में फेसबुक पेज पर जुड़े हुए सभी श्रोताओं को, सभी भिक्षु भक्तों को और नमन करता हूं। कमल सेठिया अगर ये वजूद कहीं है, कमल सेठिया आज अगर आप लोगों के समक्ष खड़ा होकर महामना भिक्षु की भक्ति कर पा रहा है तो ये जीवन चमत्कार है महामना भिक्षु का, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था इसकी बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। और बंधुओं ये महामना भिक्षु का चमत्कार है कि मैं आज जीवित भी हूं और महामना भिक्षु की भक्ति आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के बीच कर पा रहा हूं और नमन करता हूं। पारस चैनल पर जो कार्यक्रम सीधा प्रसारित हो रहा है उस कार्यक्रम को अपने अंगुलियों से संयोजित करने वाले भाई श्री सनी जी को नमन करते हुए आज के इस भक्ति संध्या का मैं आगाज करना चाहूंगा एक ऐसे गीत के साथ जो गीत अपने आप में हमें भिक्षु भक्त बना पाए, अपने आप में महामना भिक्षु की भक्ति करने की प्रेरणा दे पाए,
अपने आप में महामना भिक्षु की भक्ति के लिए हमें प्रोत्साहित करना पाए। सिक्स विघ्न हरण मंगलीकरण स्वाम भिक्षुनो ना गुणियो लख समरण किया करे अचिंत्या का विघ्न हरण मंगलीकरण स्वाम भिक्षुनो ना गुणियो लख समरण किया करे अचिंत्य का विघ्न हरण मंगलीकरण स्वाम भिक्षुनो ना गुणियो लख समरण किया करे अचिंत्य का सर अचिंत्य का सर अचिंत्य का विघ्न हरण है मंगलकारी सुते जीवन सहजारी श्याम भिखु श्याम भिखु श्याम भिखु श्याम श्याम भिखु श्याम भिखु श्याम भिखु श्याम विघ्न हरण है मंगलकारी दीपां सुते जीवन सहजारी श्याम भिखु श्याम भिखु श्याम भिखु श्याम श्याम भिखु श्याम भिखु श्याम भिखु श्याम बोलिए क्रांतिकारी वीर भिक्षु की भिखु नाम नाम मनहारी ग्रह कष्ट ने सब मिटती सारी श्याम भिखु श्याम भिखु श्याम भिखु श्याम श्याम भिखु श्याम भिखु श्याम भिखु श्याम हृदय में वासी
सब निधियाँ सब उसी की दासी श्याम भिखु श्याम भिखु श्याम भिखु श्याम श्याम भिखु श्याम। बोलिए क्रांतिकारी वीर भिक्षु की। और बंधुओं इसी घड़ी में हम एक, क्योंकि कार्यक्रम प्रारंभ होने के पास पहले काफी फोन मेरे पास आए, गौतम जी के पास भी आए, भाई निर्मल जी के पास भी आए कि कमल जी को बोलना पुराने पुराने गीतों की भक्ति से हम महामना भिक्षु का आह्वान करेंगे। तो एक बहुत ही पौराणिक और लोकप्रिय गीत के साथ मैं आप सबों को इस भिक्षु भक्ति में जोड़ना चाहूंगा। बोलिए भिखु श्याम, क्या बोलना है? भिखु श्याम कि सुख वैभव भावी पीढ़ी को कालकूट तुम स्वयं पी गए, सुख वैभव भावी पीढ़ी को कालकूट तुम स्वयं पी गए, मृत्यु भला क्या तुम्हें मारती, मरकर भी तुम पुनः जी गए, मरकर भी तुम पुनः जी गए। जद जद भीड़ पड़ी भगता में, यहां भीड़ का मतलब है ये जो डिजिटल धम्म जागरण में पूरे विश्व में जो इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं उन सारी भीड़ के साथ ये मतलब, उन सारे भक्तों के साथ ये मतलब है। ओ जद जद भीड़ पड़ी भगता में तो स्वामी जीरो शरणों आडो आयो जियो, भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, भिक्षु रो में साचो परचो पायो जियो, भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, भिक्षु रो में साचो परचो पायो जियो, भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे। शोभ जी श्रावक ने नाथ द्वारा जेल में, शोभ जी श्रावक ने नाथ द्वारा जेल में, सदेह दर्शन देन भिक्षु आया जियो, उठता तड़ाक बेड़ा टूट दूर पड़ेगी, उठता तड़ाक बेड़ा टूट दूर पड़ेगी, तो देख सारा इच रज पाया जियो, भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, भिक्षु रोमे साचो परचो पायो जियो, भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे। और बंधुओं इस गीत से जुड़ी घटना मुझे लगता है आज के इस अवसर पर सबों को बतानी जरूरी लगती है, क्योंकि बंधुओं घटनाओं से गीत के प्रति भी हमारी श्रद्धा, इस गीत को लगभग हर तेरा पंथी श्रावक जानता है, मगर इस गीत के पीछे छुपा हुआ रहस्य भाई जी महाराज मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी और गुरुदेव श्री तुलसी का बीकानेर चातुर्मास और भाई जी महाराज मुनि श्री चंपालाल जी का गंगा शहर चातुर्मास। गुरुदेव तुलसी एक रविवार को बीकानेर से गंगा शहर पधारते, एक बड़ा कार्यक्रम गंगा शहर होता, और एक रविवार को भाई जी महाराज गंगा शहर से बीकानेर पधारते, सुबह पधारते और शाम को वापस अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर जाते। भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी का दिन और भिक्षु चर्मोत्सव का भव्य आयोजन और गुरुदेव श्री तुलसी अपनी धवल सेना के साथ बीकानेर से गंगा शहर पधारते हैं, और उस कार्यक्रम के अंतर्गत भाई जी महाराज का इस गीत का संगान करना। एक गुसाई जी थे गंगा शहर में, जो कि ये झाड़े झपटे लगाने का होता ना,
तंत्र मंत्र की बहुत अच्छी उनको विद्या थी और भाई जी महाराज के बहुत नजदीक थे गुसाई जी। वो अब वो आगे आगे बैठे हैं, भाई जी महाराज ने गीत गाना प्रारंभ किया, गुरुदेव श्री तुलसी अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे, डायरी को बंद किया और गुरुदेव ने अपने पट पर पेन से ऐसे बजाने लगा और एक तक भाई जी महाराज की तरफ गुरुदेव निहारते रहे। अचानक गोसाई जी के पास बीकानेर से एक व्यक्ति दौड़ा, बीकानेर नहीं गंगा शहर के कौन सी एक गली मुझे याद नहीं आ रही है, वहां से आया, नहीं बीकानेर से वो आते हैं और आगे आगे गोसाई जी के पास बैठते हैं, आपको जल्दी पधारना पड़ेगा, मामला बहुत बिगड़ा हुआ है। मगर गुसाई जी के मुंह में वो गीत इस तरह जमा हुआ था, उन्होंने उसको भी पकड़कर बैठा लिया, बोले बैठ चलते हैं थोड़ी देर में। अब 3-4 पद्य हुए होंगे, वो जो व्यक्ति आया था वो भी तल्लीन हो गया। अब अचानक थोड़ी देर बाद 4-5 पद्य हुए होंगे इस गीत के, एक व्यक्ति और दौड़ा दौड़ा आया पूरे पसीने में तर बतर, बोले भाई अब मामला खराब है, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, गुसाई जी आप चलो। अब गुसाई जी ने उसको भी कहा थोड़ी देर रुको, क्योंकि ये गीत के संगान में उनके उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। आखिरी पद्य पर जैसे तैसे तीसरा व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और बहुत आंखों में पूरा पानी भरे हुए था उसके, और वो बोलता अब चांस नहीं, आप चलो तो चलो, बाकी अब जाने का कोई सार नहीं होगा। आखिरी पद्य में गुसाई जी उन तीनों के साथ वहां तांगा किया और तांगे में बैठ कर गए। मनी मन गुसाई जी अपने मन में ये सोच रहे थे कि स्वामी जी आज आपके गीत भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे, इस गीत के संगान में डूबा रहा, अब लाज मेरी आपके हाथ में है, गंगा शहर से बीकानेर, ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु, वो जप करते गए और जाकर जिस घर में वो घटना घटी थी, किसी एक औरत के अंदर में एक बुरी आत्मा प्रवेश की हुई थी। एक और पंडित को बीकानेर से बुलाया गया था, उस पंडित को तो एकदम बेहताशा, वो भी बेहोश की हालत में पड़ा था, उसके सारे साजो सामान बिखरे हुए पड़े थे। अब जैसे ही तांगे से उतरे, गुसाई जी के पैर चल तो नहीं रहे हैं, मन ही मन के स्वामी जी आज लाज बचा लेना मेरी, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। और एक अंदर प्रवेश करते ही लड़की बेहताशा, मतलब उसको 5-7 लोग भी चाहकर पकड़ नहीं पा रहे थे, जो भी पकड़ते उन्हें ऐसा धक्का देती कि वो कहीं जाकर गिरता। स्वामी गुसाई जी ने ग्लास का एक पानी मंगाया और ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु जप 13 बार किया करके उसमें फूंक मारी, फूंक मार के वो पानी हाथ में लेते हुए उसके जोर से बदन पे छिटक दिया और छिटकते ही वो चिल्लाई, अरे ये क्या गिराया, ये क्या गिराया, मेरा बदन पूरा जल रहा है, मुझे बचाओ, मेरा बदन पूरा जल रहा है। दूसरी बार फिर उन्होंने वो पानी ओम भिक्षु का जप स्मरते हुए फिर छिटक दिया। अब इस बार अरे मेरे ये पानी मत छिटको मेरे ऊपर, मेरे बहुत जलन हो रही है, मैं छोड़कर चली जाऊंगी। गुसाई जी ने कहा वापस कभी नहीं आने का वादा करो तो मैं तुम्हें छोड़ता हूं। और तीसरी बार पानी का प्रविष्ट जैसे करने लगे, वो कहते नहीं अब मैं कभी नहीं आऊंगी। उस औरत के अंदर में 3 आत्माएं एक साथ प्रवेश की हुई थी और महामना भिक्षु का ये जप, ये चमत्कारी गीत, ये ओम भिक्षु का जप, उस औरत को वो आत्मा छोड़कर गई, बेहोश की हालत में पड़ी थी। गुसाई जी ने फिर ओम भिक्षु का जप करते हुए उसके ऊपर पानी को छिटका, वो थोड़ी सी बैठी। गुसाई जी ने कहा चल खड़ी हो, बोलने खड़ी होने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। तू खड़ी हो, ताकत तेरे अंदर भिक्षु बाबा देंगे। और जैसे तैसे वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई, खड़ी क्या हुई, गुसाई जी ने कहा चलो, और वो चलने लगी और चलते चलते उसके पांव की रफ्तार तेज हो गई। तो ऐसे चमत्कारी महामना भिक्षु को नमन करते हुए हम यही कहेंगे, स्वामी जी ने शिवराजंद जोधपुर दरबार में, स्वामी जी ने शिवराजंद जोधपुर दरबार में, तो पट्टे वो जी पूरी बाजी ले गया जियो, रूपा जी रो खोड़ो टूटो रावणी रे रावणे,
रूपा जी रो खोड़ो टूटो रावणी रे रावण तो राजी राजी घर का दीक्षा दे गया जियो भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे भिक्षु रो में साचो परचो पायो जियो भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे जबलपुर जावता चंपक मुनि ने जबलपुर जावता चंपक मुनि ने शेर दोप पर जी मिल गया जियो भीकु श्याम नाम सहजा निकलो भीकु श्याम नाम सहजा निकलो तो बीस हाथ दूर शेर टल गया जियो भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे स्वामी जी री ओटली जसोल वाला मान जी हाँ स्वामी जी री ओटली जसोल वाला मान जी तो काली है रो जहरे उतरे क्यों जियो जंतर मंतर झाड़ा झपटा सारा उत्तर दे दिया ओ जंतर मंतर झाड़ा झपटा सारा उत्तर दे दिया पर स्वामी जीरो नाम काम करे गयो जियो भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे एक ने अनेक छेक देख लियो थे परचा एक ने अनेक छेक देख लियो थे परचा डूब तारी नाव काठे आई जियो बारे मारे फिरे पड़ी बीच में तिजोरी बारे बारे फिरे पड़ी बीच में तिजोरी पर डाकुआरी आख्या चुंधी आई जियो भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे भिक्षु 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 मारी ओ रात ने बिरात ने एक लो के दो कलो ओ रात ने एक लो के दो कलो जद जद डर भये लागे जियो स्वामी जी रो नाम लिया खड़ा हुए रूंगटा स्वामी जी रो नाम लिया खड़ा हुए रूंगटा आत्मा में पौरुष जागे जियो भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे दीपारो दुलारो प्यारो हारे हियारो दीपारो दुलारो प्यारो हारे हियारो संकट मोचन हारो अजे माल्यो जियो अपनो जान वत्सल ताशु सावण पुचकार कै अपनो जान वत्सल ताशु सावण पुचकार कै थे चंपक ने एकर शाही लगा लो जियो भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे भिक्षु रो में साचो परचो पायो जियो जद जद भीड़ ओ जद जद तो स्वामी जी रो शरणो आडो आयो जियो भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे भिक्षु रो में साचो परचो पायो जियो भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे भिक्षु 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 मारी
ओ भीखण रागुण गावण वाला जीवन में सा तू सुख पावे। भीखण रागुण गावण वाला जीवन में सा तू सुख पावे। भीखण शीश नमावण वाला दुख दाली दर सब मिट जावे। भीखण शीश नमावण वाला दुख दाली दर सब मिट जावे। भीखण शरणे आवण वाला भीखण जेड़ी शक्ति पावे। भीखण शरणे आवण वाला भीखण जेड़ी शक्ति पावे। भीखण में बण जावण वाला उन ज्योति में ज्योत मिलावे। उन ज्योति में ज्योत मिलावे। उन ज्योति में ज्योत मिलावे। तो मेरे पास पुराने पुराने गीतों को लोगों की सुनने की मानसिकता थी, तो सबकी भावनाओं का आदर करते हुए, सबकी भावनाओं को नमन करते हुए, और बंधुओं फेसबुक पेज पर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, तो बंधुओं अक्सर फेसबुक लाइव प्रोग्राम के अंदर हम कमेंट्स करते हैं। ख्याली लाल जी साहब जय जिनेन्द्र, धर्मीचंद जी साहब संघ सेवक ग्रुप के एडमिन धर्मीचंद जी साहब जय जिनेन्द्र, भाई प्रसन्न जी पामेचा जय जिनेन्द्र। बंधुओं आज ये एक दूसरे से जय जिनेन्द्र करने के कमेंट्स नहीं होने चाहिए, आज कमेंट्स होने चाहिए सिर्फ श्री हरि रो संत। आपके कमेंट्स में सिर्फ आने चाहिए श्री हरि रो संत। थोड़ा उधर चला जाऊं तो उनके कैमरे के पास हो जाऊंगा। आज कमेंट्स में सिर्फ हो श्री हरि रो संत, और कोई कमेंट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो तेरा पत्थरों भाग्य विधाता श्रमण संघ रो सक्षम त्राता लाखा आखड़ लिया रो तारो हार हिया रोला गे। वो श्री हरि रो संत, श्री हरि रो संत, श्री हरि रो संत प्यारो प्यारो लागे। प्यारो प्यारो लागे। प्यारो प्यारो लागे। तो कमेंट्स में सिर्फ श्री हरि रो संत। सत्य सिराणे सदा राख तो त्यागी सारी सुविधावां। सत्य सिराणे सदा राख तो त्यागी सारी सुविधावां। जिनवाणी पर जीवन जावा जो क्या बलिहारी जावा। जिनवाणी पर जीवन जावा जो क्या बलिहारी जावा। माता जी आपसे निवेदन करूंगा, आपके मुझे पता है पांव की बहुत तकलीफ है, लेकिन आपके पांव बिल्कुल समाधि के सामने थे, इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा आप ऐसे करवट लेके पांव ऐसे लंबे कर सकते हैं, मगर समाधि के सामने पांव ना आए। तो एक असाधना की बात होती है कि यहां समाधि और उनकी तरफ हम पांव करके बैठे, तो कहां था सत्य सिराणे सदा राख तो त्यागी सारी सुविधावां। जिनवाणी पर जीवन जावा छो क्या बलिहारी जावा। बड़ी साधना सिद्धि स्वयं ही चीर चलो सब बाधावा। आत्मसमर रे अमर वीर री में गौरव गाथा गावा। आत्मसमर रे अमर वीर री में गौरव गाथा गावा। ऐसे इंस्टॉलमेंट में आवाज आएगी तो आनंद नहीं आएगा, एक साथ डर किस बात का है,
महामना भिक्षु की भक्ति कर रहे हैं, अगर मैं रुक गया तो आपको भी तो भक्ति करनी आती है। आप प्रारंभ रखिए, अपने आप को विराम मत दीजिए, मन में संकोच के भाव मत लाइए कि हम गाएंगे पता नहीं वो क्या सोचेंगे। भक्ति जैसी आप लोगों की है वैसी ही भक्ति मेरी है। मैं कोई अनूठा या अजूबा नहीं हूं कि मेरी भक्ति बहुत ऊपर है, आपकी भक्ति मेरे से ज्यादा है। इतने देर नीचे पालथी मारकर बैठना बहुत बड़ी साधना की बात होती है बंधुओं। तो कहा था मैं पावा सुमिरण स्यों सुख साता, पावा सुमिरण स्यों सुख साता, बन जावा हा ताजा माता, बन जावा हा ताजा माता, दाता ज्ञान चक्षुरो सूरज सो उणियारो लागे, उमाने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे, उमाने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे, त्याग तपोबल प्रबल मनोबल चकित चकित मानव रह गया, त्याग तपोबल प्रबल मनोबल चकित चकित मानव रह गया, खड़ा हुआ अवरोध जिताही अपने आप सभी डह गया, खड़ा हुआ अवरोध जिताही अपने आप सभी डह गया, प्रति स्रोत में बढ़ो भले ही अनुस्रोत में सब बह गया, पुण्य पोर सो तेज भोर सो घोर विरोधी भी कह गया, पुण्य पोर सो तेज भोर सो घोर विरोधी भी कह गया, ओ मन संकल्प शक्ति ही भारी धार्मिक जन जुग जुग आभारी, मन संकल्प शक्ति ही भारी धार्मिक जन जुग जुग आभारी, मावस रात में वो पूनम सो उजारो लागे, ओ माने सिरियारी रो पंथ चलाड़ो लक्ष्य नहीं हो चल्या चरण बस पंथ बढ़ो, पंथ चलाड़ो लक्ष्य नहीं हो चल्या चरण बस पंथ बढ़ो, कुण जाने किण पुल में दीपा माँ अलबेलो पुत्र जण्यो, कुण जाने किण पुल में दीपा माँ अलबेलो पुत्र जण्यो, बचपन शो बुढ़ा पैताई रयो सुरंगो बण्यो ठण्यो, डिगला डिगला रतन निकाल्या नहीं निरर्थक पहाड़ खण्यो, डिगला डिगला रतन निकाल्या नहीं निरर्थक पहाड़ खण्यो, शासन में अनुशासन था प्यो, शासन में अनुशासन था प्यो, मानदंड शु जायन माप्यो, मानदंड शु जायन माप्यो, व्याप्यो जन जन रे मन मन में मोहन गारो लागे, ओ माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे, माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे, आज्ञा धर्म अनाज्ञा अधर्म चल्यो सफल अभियान जो,
आज्ञा धर्म अनाज्ञा अधर्म चलो सफल अभियान जो सही समझ दी धार्मिक जग ने ओ मोटो अवदान जो सही समझ दी धार्मिक जग ने ओ मोटो अवदान जो जागृत जीवन जियो राखी सम्मुख साध्य महान जो प्राप्त अतिन्द्रिय ज्ञान अपूरब साहस रोसन्धान जो प्राप्त अतिन्द्रिय ज्ञान अपूरब साहस रोसन्धान जो भादवासुदी तेरस वार मंगलवार स्वामी जी ध्यान मुद्रा में लीन अपनी अंतर आत्मा का निरीक्षण कर रहे थे। बाहर बैकुंठी तैयार थी। बैकुंठी का अंतिम कार्य दर्जी ने संपूर्ण किया। सुई को अपनी पगड़ी में लगाते हुए कहा, मेरा काम तो संपूर्ण है, शायद स्वामी जी के अभी देर लगती है। दर्जी के ये शब्द महामना भिक्षु के कानों तक पहुंचते हैं तो महामना भिक्षु सहज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारा काम संपूर्ण है तो मुझे भी कहा देर है। और ये शब्द कहते कहते महामना भिक्षु पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। इस घटना से ये सच्चाई जाहिर होती है बंधुओं, महामना भिक्षु इच्छा मृत्यु धारी थे। इच्छा मृत्यु वरी जो तीर धरे पद्मासन में समता निर्झरे। इच्छा मृत्यु वरी जो तीर धरे पद्मासन में समता निर्झर। इच्छा मृत्यु वरी जो तीर धर पद्मासन में समता निर्झर। स्वामी भवसागर लो जान के लियो किनारो लागे। ओ माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो ला वे। माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। ओ तेरा पत्थरो भाग्य विधाता श्रमण संग रो लाखा खलिया में आरो हार यारोला। हेम मात्र भूमि सिरियारी भिक्षु तपो भूमि सिरियारी। स्वाम समाधि स्थल सिरियारी। श्रद्धानत ठाकुर सिरियारी। वो तुलसी सिरियारी रो निरखण जिसो नजारो लागे। ओ माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे। ओ तेरा पत्थरो श्रमण संग रो लाखा आखड़ ल्यारो तारो हार हियारो लागे। सिरियारी रोशन सिरियारी रोशन सिरियारी रो संत प्यारा
प्यारो लागे। और बंधुओं, इसी कड़ी में हम और भी कुछ ऐसे ऐतिहासिक, ऐसे ही श्रद्धा सिक्त भावों के गीतों का संगान करेंगे और मिलकर महामना भिक्षु की भर्ती करेंगे। और सबसे बड़ी बात, पूरा विश्व आज इस समय महामना भिक्षु की आराधना कर रहा है, महामना भिक्षु की भक्ति कर रहा है, और सारे विश्व के लिए, सारे विश्व के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, कि रोम रोम में भिक्षु भिक्षु का गूंज रहा यह नारा है, कि रोम रोम में भिक्षु भिक्षु का गूंज रहा यह नारा है, बना मंत्र शक्ति का दायक यह विश्वास हमारा है। रोम रोम में भिक्षु भिक्षु का गूंज रहा यह नारा है, बना मंत्र शक्ति का दायक यह विश्वास हमारा है। तन्मय बनकर जिसने सिमरा, तन्मय बनकर जिसने सिमरा, उसको मिला सहारा है, कष्टों से मुक्ति को पाकर लाखों भाग्य सहारा है, कष्टों से मुक्ति को पाकर लाखों भाग्य संवारा है। बोलिए क्रांतिकारी वीर भिक्षु की। और बंधुओं, जो पारस चैनल में जुड़े हुए हैं और कई फेसबुक पेज पर भी हमारे कार्यक्रम सीधा प्रसारित हो रहा है, तो फेसबुक पेज पे जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन, अब आपका मैसेज, आपके कमेंट्स क्या होने चाहिए। पहले आपके कमेंट्स था सिरी आरी रोशन, मगर अभी आपके कमेंट्स होने चाहिए सिर्फ भीकू श्याम सिरियारी की। इस पावन धरा पर, इस पावन समाधि के समक्ष खड़े होकर महामना भिक्षु की भक्ति करना अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये तो भला हो कोरोना का, भला हो कोविड 19 का, नहीं तो वही हजारों के भीड़ में वहां पंडाल में बैठते और समाधि के बारे में कोई सुध बुध हमें नहीं हो पाती। मैं तो चाहूंगा, शुक्रगुजार हूं कोरोना का कि ये सौभाग्य हमें मिला, मगर सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, तो अभी आपके कमेंट्स होने चाहिए इस एक गीत के दौरान भीकू श्याम। और बंधुओं, इस कमेंट्स का हम एक अनुष्ठान करते हैं इस सिरियारी के पावन समाधि पर। आपके कमेंट्स, 1008 कमेंट्स भीकू श्याम के, जो भी फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हो, आपके केवल कमेंट्स होने चाहिए भीकू श्याम, क्योंकि अब जो गीत है, सांवरिये रे मंगली, मैं गाऊ ना, गालू ना इस गीत को, तो आपके कमेंट्स भीकू श्याम। सांवरिये रे मंगल शरणे, सांवरिये रे मंगल शरणे, हो परबारा से काम सर जी, बोलो भज मन भीकू श्याम, भीकू श्याम विघ्न हरे आनंद करे, भज मन भीकू श्याम। सबको भज मन भीकू श्याम के बाद पूरी श्रद्धा और पूरी ऊर्जा के साथ भीकू श्याम शब्द कहना है। सांवरिये रे मंगल शरणे, परबारा से काम सरज, बोलो भज मन भीकू श्याम। बस इतनी ऊर्जा है क्या? पूरी ऊर्जा के साथ सांवरिये रे मंगल शरणे, परबारा से काम सरज, बोलो भज मन भीकू श्याम, विघ्न हरे आनंद करे, भज मन भीकू श्याम। कलयुग रो ओ कल्प वृक्ष है,
ठंडी छाह सनूरी, अरे हाँ ठंडी छाह सनूरी। कलयुग रो ओ कल्प वृक्ष है, ठंडी छाह सनूरी, अरे हाँ ठंडी छाह सनूरी। चिंतामणि कामित फल दाता, राख आस्था पूरी, अरे हाँ राख आस्था पूरी। ओ अचूक अनुभूत मंत्र है, ओ अचूक अनुभूत मंत्र है, बिगड़ी गति मत स्थिति सुधर जी। बोलो भज मन भिकुशा, भिकुशा विघ्न हरे आनंद करे। भज मन भिकुशा, भिकुशा नाम लिया दुख दूर डरे। भज मन भिकुशा, रोग शोक में दुख बिजोग में, चित पर चोट करारी लाग जा, चित पर चोट करारी। रोग शोक में दुख बिजोग में, चित पर चोट करारी लाग जा, चित पर चोट करारी। डाकण शाकण भूत प्रेत जंद लगन कोई कारी, अरे हाँ लगन कोई कारी। चढ़ जा जोत छोत झट उतरे, चढ़ जा जोत छोत झट उतरे। जो बावलिये ने सिवर जी, बोलो भज मन भिकुशा, विघ्न हरे आनंद करे। भज मन भिकुशा, नौ व्यंजन स्वर मिलकर भिखू श्याम नाम निरुमायो, अरे हाँ श्याम नाम निरुमायो। नौ व्यंजन स्वर मिलकर भिखू श्याम नाम निरुमायो, अरे हाँ श्याम नाम निरुमायो। कुण जाने किण पुल में दीपा, माँ ओ नाव कढ़ायो, अरे हाँ माँ ओ नाव कढ़ायो। तंत्र योग में गणित शास्त्र में, ओ, 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 तंत्र योग में गणित शास्त्र में, नौको आंख अखंडित रज। बोलो भज मन भिकुशा, भिकुशा विघ्न हरे आनंद करे। भज मन भिकुशा, सहज योग ऊर्जा प्रयोग में, तन छोड़ो सिरियारी स्वामी जी, तन छोड़ो सिरियारी। सहज योग ऊर्जा प्रयोग में, तन छोड़ो सिरियारी स्वामी जी, तन छोड़ो सिरियारी। आज समाधि स्थल पर घूमे, तेज वलय जयकारी, ओ घूमे तेज वलय जयकारी। आज समाधि स्थल पर घूमे, तेज वलय जयकारी, रे घूमे तेज वलय जयकारी। चिंता चूरे आशा पूरे, चिंता चूरे आशा पूरे,
रिद्धि सिद्धि भंडार भर जी बोलो भजमन भीखु श्याम विघ्न हरे आनंद करे भजमन भीखु श्याम नाम स्वाम रो ले हिंदू जी करी आखरी कारी हे मरी करी आखरी कारी नाम स्वाम रो ले हिंदू जी करी आखरी कारी हे मरी करी आखरी कारी तपसी भाग चंद जी सरीखा नैया पार उतारी संघ में नैया पार उतारी ओटी जी टल जागरण सागर ओटी जी टल जागरण सागर परिषद देख्या ही ओ ठर जी बोलो भजमन भीखु श्याम विघ्न हरे आनंद करे भजमन भीखु श्याम भीखु श्याम नावलिया दुख दूर टरे सांवरिये रे मंगल शरण सांवरिये रे मंगल शरण परवारा से काम सर जी बोलो भजमन भीखु श्याम विघ्न हरे आनंद करे भजमन भीखु श्याम नाम निया दुख दूर टरे भजमन भीखु श्याम विघ्न हरे आनंद करे भजमन भीखु श्याम भीखु श्याम नाम लिया दुख दूर तरे ओ भजमन भीखु श्याम। और अगला गीत गाऊं उसके पहले दो पंक्ति कहना चाहूंगा। सिरियारी रे संत की जय जय जयकार सिरियारी रे संतरी की जय जय जयकार सास सास समरण किया होवे बेड़ो पार सयाना होवे बेड़ो पार होवे बेड़ो पार सयाना होवे बेड़ो पार। और बंधुओं ये बात तब की है, कब की? जब मुनि या कहूं कि भीखण का जन्म भी नहीं हुआ था। भीखण का जन्म भी नहीं हुआ था तब सकलेचा परिवार में अचानक एक घटना घट जाती है। क्या घटना घट जाती है? बल्लू जी की जो पहली पत्नी रहती है लाछड़ दे, उसका शीघ्र देहांत हो जाता है। जिस वक्त बल्लू जी की पहली पत्नी लाछड़ दे का देहांत होता है, बल्लू जी के एक पुत्र रहता है और उस पुत्र के भी एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है होलो जी। क्या नाम रहता है? क्या नाम रहता है? होलो जी। जैसे ही लाछड़ दे का देहांत होता है, बल्लू जी की पहली पत्नी का देहांत होता है, तब बल्लू जी की बहन बगती बहन अपने भाई बल्लू जी को समझाती है कि भैया
मेरी बात मानो और आप दूसरा विवाह कर लो। बल्लू जी भगती बहन को कहते हैं, अब क्या दूसरा विवाह कर लूं, घर में बेटा है, बहू है, पोता है, अब दूसरा विवाह करने का मन नहीं है। मगर भगती भुआ ने बहुत जोर दिया कि उम्र में एक ऐसा पड़ाव भी आता है जहां पत्नी अनिवार्य होती है, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। किसी तरह भगती बहन अपने भाई बल्लू जी को मना लेती है, तैयार कर लेती है दूसरे विवाह के लिए। कैसे कैसे परिवार में घटनाक्रम बदलते हैं, मुनि श्री सागरमल जी श्रमण द्वारा रचित एक ऐतिहासिक रचना। बंधुओं, केवल भक्ति करना, भक्ति गीत गाना अच्छी बात है, गाने चाहिए, मगर इन भक्ति संध्याओं के दौरान भक्ति गीतों के जरिए अगर तेरा पंथ धर्म संघ की मूलभूत जानकारियां भी हमें उन गीतों के जरिए मिलती है तो एक पन दो काज की बात होती है। एक तरफ तो भक्ति गीत का संगान हुआ और गीत के जरिए तेरा पंथ की कुछ अछूती जानकारियां भी हम श्रोताओं को, दर्शकों को दे सकते हैं। कैसे कैसे परिवार का घटनाक्रम बदलता है। कंटालिए रो सावेरियो, सावेरियो का जब करेंगे, कंटालिए रो सावेरियो, सावेरियो का जब करेंगे, तिरिया मिरिया भरियो सरवरियो, लाखारी रीति गागर भरेंगे, कंटाड़िए रो सावरियो, सावरियो के जब करेंगे। सातू सुखी साह बल्लू जी, सकले चा मन मौजी, हाँ सकले चा मन मौजी, सातू सुखी साह बल्लू जी, सकले चा मन मौजी, हाँ सकले चा मन मौजी, सिरियारी वाला ला छड़ते छोड़ चला हो लो जी, हाँ छोड़ चला हो लो जी, परन्यो पात्यो ताबेरियो, सावेरियो के जब करेंगे, कंटाड़िए रो सावेरियो, सावेरियो के जब करेंगे। और पहली पत्नी लाछड़ दे का देहांत तो होता है और भगती बहन अपने भाई बल्लू जी को तैयार कर लेती है दूसरे विवाह के लिए। और दूसरा विवाह किनके साथ होता है, दीपा जी के साथ होता है। और बंधुओं, जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जब बल्लू जी का दूसरा विवाह दीपा जी के साथ होता है तो दीपा जी की उम्र मात्र 16 वर्ष और बल्लू जी की उम्र 47 वर्ष। उम्र का ये फासला, मगर उस जमाने में बेटियों को ज्यादा चूं चपड़ करने की इजाजत नहीं थी। जहां परिवार वालों ने रिश्ता तय कर दिया वहीं रिश्ता हो जाता है। उम्र का इतना फासला दीपा जी ने विधि का विधान मानते हुए इस फासले को सह स्वीकार कर लिया। क्या होता है, भगती भुआ भाई ने दूजे सोढ़े परनायो, हाँ दूजे सोढ़े परनायो, भगती भुआ भाई ने दूजे सोढ़े परनायो, हाँ दूजे सोढ़े परनायो, 47-16 रो अंतर लोगा इच रज पायो, हाँ लोगा इच रज पायो, 47-16 रो अंतर लोगा इच रज पायो, हाँ लोगा इच रज पायो, अरसो बरसो ठाकरियो, सावेरियो के जब करेंगे, कंटाड़िए रो सावेरियो, सावेरियो के जब करेंगे। और बल्लू जी का विवाह दीपा जी के साथ हो जाता है। और बंधुओं, हर नई नवेली दुल्हन के मन में यह स्वप्न होता है
कि घर के ससुराल के आंगन में पहला कदम रखूंगी तो सास आरती का थाल लेकर खड़ी होगी और घर में तिलक के साथ प्रवेश करवाएंगी। मगर दीपा जी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है? खेले पोतो आंगणिए में दादो दादी ल्यायो, हाँ दादो दादी ल्यायो। खेले पोतो आंगणिए में दादो दादी ल्यायो, हाँ दादो दादी ल्यायो। माता जी शू मांग्यो बेटो दीपा भीखु जायो, हाँ दीपा भीखु जायो। सिंह सपने अब तेरियो सावेरियो गजब करियो, कंटालियरो सावेरियो सावेरियो गजब करियो। और जैसे ही बहु नई नवेली दुल्हन दीपा जी ससुराल के आंगन में पांव रखती है तो घर के आंगन में एक छोटा बच्चा घुटनों के बल चल रहा होता है और दीपा जी को बताया जाता है ये आपका पोता है। दीपा जी ने इसी भी विधि का विधान मान उस पोते को सहर्ष स्वीकार कर लिया। मगर बंधुओं, दीपा जी की मां भवानी के प्रति प्रगाढ़ आस्था थी, बहुत आस्था थी मां भवानी के प्रति। और उस आस्था के स्वरूप ही जब भीकण दीपा जी के गर्भ में रहता है तो दीपा जी को सिंह का स्वप्न आता है और सिंह मां भवानी की सवारी होती है। मगर यहां क्या होता है, घर के आंगन में छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चल रहा होता है और दीपा जी को बताया जाता है ये आपका पोता है। क्या होता है? खेले पोतो आंगणिए में दादो दादी ल्यायो, हाँ दादो दादी ल्यायो। खेले पोतो आंगणिए में दादो दादी ल्यायो, हाँ दादो दादी ल्यायो। माता जी शो मांग्यो बेटो दीपा भीखु जायो, हाँ दीपा भीखु जायो। माता जी शो मांग्यो बेटो दीपा भीखु जायो, हो दीपा भीखु जायो। सिंह सपने अव तेरियो सावेरियो गजब करियो, कंटालियरो सावेरियो सावेरियो गजब करियो। और घर के आंगन में घुटनों के बल चलता है बच्चा और दीपा जी को बताया जाता है ये आपका पोता है। दीपा जी ने इसे भी विधि का विधान मान स्वीकार कर लिया और मां भवानी की अमिट आस्था के पल स्वरूप दीपा जी को एक पुत्र होता है और पुत्र का नाम रहता है भीखण। उस पुत्र का नाम रहता है भीखण। मगर बंधुओं, अब घटना प्रारंभ यहां से होती है। वो घटना क्या? जो बल्लू जी की पुत्र वधु थी होलो जी की पत्नी, वो उम्र में दीपा जी से बड़ी रहती है। पद तो सास का ही बड़ा होगा ना, ना बहू का होगा, मगर उम्र में बहू सास से बड़ी रहती है और ये उम्र का फासला परिवार में घर में तकरार पैदा करने लगता है। और उस बहू का स्वभाव, आजकल के टीवी सीरियलों में कुछ औरतों के जो स्वभाव दिखाए जाते हैं उसी तरह के स्वभाव की वो बहू थी। और क्या होता है? बहु बड़ी सासू जी छोटा काम गिरस्त रो करड़ो, हाँ काम गिरस्त रो करड़ो। बहु बड़ी सासू जी छोटा काम गिरस्त रो करड़ो, ओ काम गिरस्त रो करड़ो। ऊठ सवारी री चक चक बोली रो लहजो बरड़ो, हाँ बोली रो लहजो बरड़ो। रे चिंता शू
चिंताशु शाह घिरियो सावेरियो के जब करियो कंटालियेरो सावेरियो सावेरियो गजब करियो। उम्र में बहु बड़ी और पद में सास बड़ी और उम्र का ये तकरार घर में वातावरण खराब करने लगता है, घर के माहौल को खराब करने लगता है। इसी खराब माहौल की वजह से बल्लू जी को सदमा पहुंचता है और बल्लू जी का स्वर्गवास हो जाता है। और जब बल्लू जी का स्वर्गवास होता है तो भीकण की उम्र कितनी रहती है पता है क्या आपको? कितनी रहती है उम्र? छोटे तो रहती है, उम्र पता है क्या? उम्र उम्र पता है? 10 बरसारो छोड़ नानको पार पड़ा बल्लू जी, हाँ पार पड़ा बल्लू जी। 10 बरसारो छोड़ नानको पार पड़ा बल्लू जी, हाँ पार पड़ा बल्लू जी। फतेरी माने बेगो न्यारो होवण री सूझी, हाँ न्यारो होवण री सूझी। गाँव गाँव में ही गाँव गाँव में ही पी हरियो सावेरियो गजब करेगो कंटालियेरो सावरियो सावरियो गजब करियो। और बंधुओं मात्र 10 वर्ष की उम्र रहती है भीकण की, तब बल्लू जी का स्वर्गवास हो जाता है। जैसे ही बल्लू जी का स्वर्गवास होता है होलो जी की पत्नी अपने पति को समझाती है, सुनो जी जो कमाने वाले ठाकर थे वो तो स्वर्ग सिधार गए, मेरा कहा मानो तो हम बंटवारा कर लेते हैं, ये माँ बेटे अलग रहेंगे और हम अलग रहेंगे। पति कहे और पत्नी न माने, न ये उस जमाने में हुआ था न इस जमाने में हो रहा है। और पत्नी की बात होलो जी को जच जाती है। और बंधुओं होलो जी की आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, होलो जी के 3 पुत्र रहते हैं। पहला पुत्र फतेह चंद रहता है, दूसरा पुत्र